बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहला पॉइंट देखें, ऑर्चिड की कितनी स्पीशीज हैं, स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड, आंसर लिखें 20,000 ऑर्चिड, ओ आर सी एच आई डी, ऑर्चिड की 20,000 स्पीशीज हैं। आंट, आंट की कितनी स्पीशीज हैं, लिखें मोर देन 20,000, आंट की 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश की कितनी स्पीशीज हैं, आंसर लिखें 28,000 फिशेज। देखिए ऑर्चिड 20,000, आंट 20,000, फिश 28,000 स्पीशीज हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था, हु प्रपोज द टर्म बायोडाइवर्सिटी, आंसर लिखें सोशियो बायोलॉजिस्ट, SOCIOBIOLOGIST, सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, EDWRD, एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पर है, बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पर है ना, हेट्रोजेनिटी कहते हैं इसको, हेट्रोजेनिटी, तो बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पर है, तो बायोडाइवर्सिटी लेवल है ना मैक्रो मॉलिक्यूल के बेस पर भी है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब स्पीशीज लेवल पर भी नहीं, मतलब बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पर भी होती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पर होती है, और कहाँ तक हो सकती है, मैक्रो मॉलिक्यूल तक, याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी मैक्रो मॉलिक्यूल तक हो सकती है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट लिखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पर, देखिए डाइवर्सिटी लिखें जेनेटिक लेवल पर, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, एग्जांपल लिखें रोबोल्फिया वोमिटोरिया, RAUWOLFIA, रोबोल्फिया वोमिटोरिया, VOMITORIA, रोबोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, शो जेनेटिक वेरिएशन इन हिमालयन रीजन, रोबोल्फिया वोमिटोरिया हिमालयन रीजन में जेनेटिक वेरिएशन को प्रदर्शित करता है। अब देखिए रोबोल्फिया वोमिटोरिया जो है इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बेस्ड है इसका जो एल्कोलाइड है रेसर पाइन पर, लिख दीजिए इट्स डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रेसर पाइन, RESER PINE। नेक्स्ट पॉइंट, राइस की जेनेटिक वैरायटी कितनी है, राइस, ठीक है, RIC, राइस लिखा, उसके आगे लिखा टेस्ट करके जेनेटिक स्ट्रेन,
STRAN। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइस की जेनेटिक स्ट्रेन कितनी है, जेनेटिक वैरायटी कितनी है, तो आंसर लिखेंगे 50,000, 50,000। अगर ये पूछा जाए बासमती की कितनी है, तो लिखेंगे 27, है ना। राइस की वैरायटी कितनी है, तो लिखेंगे 2,00,000। समझ गया ना, आंसर अलग अलग है देखना। अगर ये पूछा जाए जेनेटिक, कि जेनेटिक शब्द लग जाए कि राइस की जेनेटिक स्ट्रेन कितने हैं, तो कितने हैं 50,000, ठीक है। मैंगो के लिखें 1,000, मैंगो वैरायटी 1,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी लिखिए, स्पीशीज लेवल पर होती है, इट अकर्स एट द स्पीशीज लेवल, इट अकर्स एट द स्पीशीज लेवल। वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेट एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट GHAT हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। देखो ये तो तुम्हें याद रहेगा कि वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट की तुलना से अधिक स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ये क्वेश्चन आया भी है, ये ध्यान रखना एम्फीबियन की, अंडरलाइन कर लो एम्फीबियंस को। नेक्स्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगली हेडिंग है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखिए, रेन फॉरेस्ट मैनग्रूव्स, रेन फॉरेस्ट मैनग्रूव, कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट मैनग्रूव, कोरल रीफ, वेटलैंड ठीक है, एस्टुरीज ESTURIES एस्टुरीज ठीक है, डिजर्ट एल्पाइन मीडो MEADOW हैज ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्री SCANDINAVIAN स्कैंडिनेवियन कंट्री SCANDINAVIAN कंट्री लाइक नॉर्वे NORWAY। देखिए इस पॉइंट को समझ लीजिए आप, ये क्वेश्चन आता है कि नॉर्वे में या स्कैंडिनेवियन कंट्री में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है या कोरल रीफ में ज़्यादा है या डिज़र्ट में ज़्यादा है ना, किस में ज़्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा जो है किसमें हैं, किस में ज़्यादा है, कोरल रीफ में ज़्यादा है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे ये है अभी एक है ना, इसको ऐसे कर दिया, ये बन गया स्कैंडिनेवियन कंट्री, बीच बीच में गैप होता है उनके, है ना। तो यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ नहीं जा पाती, यहाँ की यहाँ नहीं जा पाती, इसलिए बायोडाइवर्सिटी उनकी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री बीच में गैप होता है, बैरियर लगे होते हैं, ठीक है। तो याद रखना स्कैंडिनेवियन कंट्री का नाम क्या है, नॉर्वे। तो नॉर्वे में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी या कोरल रीफ में ज़्यादा होगी, तो कोरल रीफ में ज़्यादा है, ठीक है। कौन सी वाली, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसको मार्क कर लेना क्वेश्चन, ये जो तीन लिखे ना आपने डाइवर्सिटी, इसमें से आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या, IUCN का पूरा नाम,
IUCN, देखिए IUCN इंटरनेशनल IUCN, हाँ पूरा नाम बताएं क्या रहा है, हाँ बोलो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज थी, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग स्पीशीज की संख्या लिखें, प्लांट और एनिमल दोनों की बात चल रहे हैं, तो आंसर है IUCN 2004 के अकॉर्डिंग स्पीशीज की संख्या है 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे MAY के अनुसार ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, 7 मिलियन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट स्पीशीज 70% से ज्यादा है, ये लाइन याद कर लीजिएगा, अगर 10 स्पीशीज हैं तो 10 में से 7 क्या हैं, इंसेक्ट हैं, 10 में से 7 इंसेक्ट्स हैं। अगला पॉइंट है, नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज, फंजाई स्पीशीज पूरे वर्ल्ड में, नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड मोर देन, फंजाई स्पीशीज की संख्या पूरे वर्ल्ड में है ना, किनसे ज्यादा है, लिखें क्या लिखा अपना आंसर, फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ, कंबाइंड टोटल ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स, मतलब फंजाई की संख्या फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, इन चारों की संख्याओं को जोड़ लो, उनसे ज़्यादा कौन है, फंजाई, समझ में आ गया ना, मतलब फंजाई ऐसे लिख दो, फंजाई मोर देन, निशान लगाओ, फंजाई मोर देन, लेकिन फिश प्लस एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल प्लस मैमल, ठीक है, इसमें ध्यान दो, इसमें से एक गायब किया हमने, फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, मैम बर्ड्स नहीं है, इसमें बर्ड्स नहीं है, ये ध्यान रखना, बर्ड्स को हटाया गया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 70% से ज़्यादा एनिमल स्पीशीज हैं, मोर देन 70% आर एनिमल स्पीशीज, आर एनिमल स्पीशीज, जैसे मैथ में लिखते हैं ना इक्वेशन ऐसे लिख लो, लिखे एनिमल स्पीशीज मोर देन
एनिमल स्पीशीज मोर देन, निशान लाया वाला मोर देन वाला, ऐसे वाला लगा दीजिए ना, एनिमल स्पीशीज मोर देन 70%, ठीक है 70%। उसके आगे लिखें ब्रैकेट में एल्गी फंजाई, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो ये 70% ज़्यादा हैं, कौन एनिमल, एक तरफ कौन कौन है आपने लिखा, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सबको जोड़ लो ये एक साइड में, और 70% ज़्यादा कौन है एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो लिखा ना एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है ना, ये 22% होते हैं, लिख दो ये सब 22% है, 70% एनिमल और 22% भी आ गए, समझ में आ गया ना। 22% में कौन कौन आ रहा है, हैं एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए पेज नंबर 260, देखो पेज नंबर 260 का जो डायग्राम है 15.1 वो याद करना है आपको, पेज नंबर 260 डायग्राम 15.1 आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पूरे वर्ल्ड का इंडिया जो है कितने परसेंट है, पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें इंडिया कितने परसेंट आता है, 2.4%। तो लिखिए इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए देखिए इंडिया शेयर विद ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंडिया शेयर विद ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1% है ना, मतलब अगर 100 एनिमल हैं उन 100 स्पीशीज में से 8 कहाँ हैं इंडिया में, 8.1 इंडिया में, ठीक है 8.1 कहाँ पे हैं इंडिया में। अगला पॉइंट देखें देखिए इंडिया में 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं, इंडिया में 45,000 प्लांट स्पीशीज हैं, ठीक है एनिमल स्पीशीज के डबल है, लिख दो एनिमल स्पीशीज 90,000, एनिमल स्पीशीज 90,000 हैं, इसके डबल हैं। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल की ओर कम होती है, देखिए स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल की ओर कम होती जाती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल की ओर क्या होती है, हाँ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ट्रॉपिक TROPIC ट्रॉपिक, देखो ट्रॉपिक ट्रॉपिक एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है देखा ट्रॉपिक 20
3.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, साउथ, ठीक है, हैज़ मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट, हैज़ मोर स्पीशीज दैन टेम्परेट और पोलर एरिया, और पोलर एरिया, और पोलर एरिया। हम बताइए स्पीशीज ट्रॉपिक में ज़्यादा है टेम्परेट में कम है, लिख लेना हिंदी में याद हो जाएगा तुम्हें, स्पीशीज ट्रॉपिक में ज़्यादा है और टेम्परेट में कम है। लिख लिया, अगर ये क्वेश्चन आए कि ट्रॉपिक 23.5 डिग्री और टेम्परेट 23.5 डिग्री साउथ, कौन सा ज़्यादा स्पीशीज रिच होगा, तो आप कौन सा लिखेंगे, नॉर्थ वाला, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टेम्परेट का लिख देना पोलर एरिया, टेम्परेट का लिख देना पोलर एरिया, POLR, पोलर एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखें, लिखिए बर्ड स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज डाटा, देखो बर्ड स्पीशीज डाटा, पहला लिखे हैं कोलंबिया, COLUMBIA, कोलंबिया, COLOMBIA, कोलंबिया, देखिए कोलंबिया में लिखे हैं इक्वेटर के पास 1400 बर्ड स्पीशीज पाई जाती है, इक्वेटर के पास 1400 बर्ड स्पीशीज पाई जाती है, 1400 बर्ड स्पीशीज फाउंड नियर द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास 1400 स्पीशीज पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ब्रैकेट में लिखें 41 डिग्री नॉर्थ, 41 डिग्री नॉर्थ, ब्रैकेट बंद कर दें, देखिए न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज बर्ड की हैं, 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 105 स्पीशीज बर्ड्स की हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, लिखे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये हो गया 71 डिग्री नॉर्थ, 71 डिग्री नॉर्थ, और केवल 56 स्पीशीज हैं, 56 स्पीशीज हैं, 56 स्पीशीज कितनी है, 56, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपने देखा ना जब 23.5 पे थे ज़्यादा थी, जब 23.5 से ऊपर की तरफ बढ़े 41 पे आए तो और कम हो गई, और जब 71 पे आए तो और कम हो गई, है ना। तो एक तरह से देखा जाए कि इनकी पॉपुलेशन हो रही है घट रही है, जब हम इक्वेट वो पॉपुलेशन कर रही स्पीशीज घट रही हैं, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी घटती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन इंडिया ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैज, इन इंडिया ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैज, इन इंडिया ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखे, ट्रॉपिकल रीजन में वैस्कुलर प्लांट की स्पीशीज
टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन की तुलना में 10 गुना अधिक होती है, 10 गुना अधिक होती है। देखिए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन इक्वेडोर, देखो ट्रॉपिकल रीजन इक्वेडोर हैज़ टेन टाइम्स स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट, स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन, एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। समझ गए आप लोग? मतलब ट्रॉपिकल में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, टेम्परेट में कम है। ठीक है, टेम्परेट में कम है। अब कितनी ज़्यादा है? लगभग 10 गुना ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका। ठीक है, हैज ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, हैज ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। अपने ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल आता है ना, भूल गया सर, अमेजॉन फॉरेस्ट होता है ट्रॉपिकल होता है, चलिए तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। लिख लिया, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? ट्रॉपिकल अमेजॉन फॉरेस्ट, लिख लिया, साउथ अमरीका, याद है ना, साउथ अमरीका था पूरा, साउथ अमरीका। ब्रैकेट में दीजिए 40,000 स्पीशीज प्लांट, प्लांट की 40,000 स्पीशीज, फिश की 3,000 स्पीशीज ऑफ फिश, बर्ड्स की 1,300, मैमल्स की 427, मैमल्स की 427, एम्फीबियन की 427, रेप्टाइल 378, और इनवर्टिब्रेट, रेप्टाइल लिखा, रेप्टाइल की 378, और लिखे इनवर्टिब्रेट 125,000, 125,000। देखिए ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंसेक्ट्स की लगभग कम से कम 2 मिलियन स्पीशीज है ना, इंसेक्ट की लगभग अभी 2 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, और डिस्कवर्ड हो सकती है। लिख दीजिए, इन इंसेक्ट्स अबाउट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज कैन बी डिस्कवर्ड, कैन बी डिस्कवर्ड। इंसेक्ट्स की देखा, इंसेक्ट की कितनी मिलियन स्पीशीज हैं? 2 मिलियन स्पीशीज और अभी डिस्कवर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुनिए क्वेश्चन, ट्रॉपिकल में स्पीशीज ज़्यादा हैं और टेम्परेट में कम, क्यों? लेकिन वाई मोर स्पीशीज इन ट्रॉपिकल, वाई मोर स्पीशीज इन ट्रॉपिकल इन कंपेरिजन टू टेम्परेट, इन कंपेरिजन टू टेम्परेट, इन कंपेरिजन टू टेम्परेट। ये पहला पॉइंट देखिए, स्पेशिएशन, ये लाइन जरा याद कर लेना, एनसीईआरटी आती है, स्पेशिएशन इज
इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आता है लाइन, इस लाइन को याद कर लेना, स्पेशिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर, सॉरी ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेट, लाइक टेम्परेट फुल स्टॉप। इट इज मोर कॉन्स्टेंट, इट इज मोर कॉन्स्टेंट। तीसरा लिखें मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, मोर एम आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, देखा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। देखें इट इज प्रपोज बाय, इट इज प्रपोज बाय बाई नेचुरलिस्ट एन ए टी यू आर एलिस्ट नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर एलेक्जेंडर, एंड जियोग्राफर एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर हम बोल्ड एच यू एम बी एल डी हम बोल्ड, हम बोल्ड। ठीक है, हम बोल्ड। ठीक है, ऑब्जर्व डैट, ऑब्जर्व डैट स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद, विद इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया, इंक्रीज एक्सप्लोर ई एक्स पी एल ओ आर ई डी एक्सप्लोर एरिया, एक्सप्लोर एरिया। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ती जाती है। अगर एरिया बढ़ना रुक जाए, स्पीशीज बढ़ती रहे, तब ग्राफ जो होता है हाइपरबोला, जब ग्राफ क्या होता है हाइपरबोला। ठीक है, अगर स्पीशीज बढ़ती रहे और एरिया इतना ही रहे तो ग्राफ क्या होता है हाइपरबोला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉग एस इज इक्वल टू, देखिए लॉग एस इज इक्वल टू log c प्लस z log a, z log a पहला पॉइंट। s इज इक्वल टू लिखे स्पीशीज रिचनेस, s इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस। दूसरा लिखे a इज इक्वल टू एरिया, a इज इक्वल टू एरिया, फिर लिखे z, z में लिखे Z, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, फिर लिखें C, C इज इक्वल टू लिखें Y इंटरसेप्ट, C इज इक्वल टू Y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें लिखे टैक्सोनॉमिक ग्रुप, टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन, टैक्सोनॉमिक ग्रुप या रीजन, जैसे ब्रिटेन कैलिफोर्निया, जैसे ब्रिटेन कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जेड की वैल्यू, में जेड की वैल्यू 0.1 से 0.8 होगी, 0.1 से 0.8। ठीक है, लार्ज एरिया में, लार्ज एरिया में, ठीक है देखा आपने, लार्ज एरिया में Z की वैल्यू 0.6 से
1.2 होती है, 0.6 से 1.2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, फ्रूट ईटिंग बर्ड। देखिए फ्रूट ईटिंग बर्ड, ठीक है, एंड मैमल्स। देखिए फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट इज 1.15, इज 1.15, इज 1.15। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिखे अगला पॉइंट लिखें, लिखे टिलमैन के अनुसार, टिलमैन TILMAN, टिलमैन के अनुसार बायोडाइवर्सिटी बढ़ने पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। टिलमैन के अनुसार बायोडाइवर्सिटी बढ़ने पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है अगला पॉइंट लिखें, लिखें ट्री फ्रॉग स्पीशीज परमानेंटली एक्सटिंक्ट, ट्री फ्रॉग स्पीशीज परमानेंटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए पॉल एरलिच, PAUL EHRLICH, पॉल एरलिच ने रीवेट हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, प्रपोज द रीवेट हाइपोथेसिस। फिर से लिखें पॉल, लिया एरलिच EHRLICH प्रपोज रीवेट, RIVET रीवेट लिख दिया, रीवेट कॉपर POPPR, हाँ कॉपर हाइपोथेसिस, रीवेट कॉपर हाइपोथेसिस लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब इसने पॉल एरिस्टिंग का माना था कि मान लो ये एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन का माना था उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम, और जो उसमें रिवेट कहते हैं नट बोल्ट, जो नट बोल्ट लगे हैं वो स्पीशीज हैं, अगर उसमें से एक स्पीशीज निकल के कहीं और चली जाए तो उसका फर्क उस पर आ जाए। जैसे एरोप्लेन है उसमें और मतलब उसे अब क्या कहते हैं उसे इक्विपमेंट सब आपस में नेट बोर्ड से कसे में, हमने नेट बोर्ड खोलने शुरू किए इक्विपमेंट गिरने शुरू, इसी तरह से अगर इको सिस्टम से हम स्पीशीज को निकालना शुरू करेंगे तो पूरा इको सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और की स्पीशीज वो होती है जो फ़ौरन ही ख़त्म करती है, जैसे एरोप्लेन में अगर हम उसके विंग निकाल देंगे तो फ़ौरन एरोप्लेन नीचे गिर। ठीक है, तो रिवेट है समझ गया ना, किसी ने थी पॉल एरलिच। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इन्होंने एरोप्लेन के विंग को क्या माना था, की स्पीशीज है ना, लिख दो एरोप्लेन विंग कंसीडर एज द की स्पीशीज, कंसीडर एज द की स्पीशीज, की स्पीशीज ठीक है,
की स्पीशीज। तो पॉल ईच ने राइवेट को किससे कंपेयर किया था, रिवेट, RIVET, रिवेट को किससे कंपेयर किया था, स्पीशीज से, लिख लो उसको, रिवेट को स्पीशीज से माना था, रिवेट को स्पीशीज से कंपेयर किया, लिख लिया। नेक्स्ट लिखे, देखिए IUCN 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, आंसर लिखें 784, ठीक है, 784 लिखें इसका आगे डैश करके, 338 वर्टिब्रेट, 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट्स, 87 प्लांट्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि पिछले 500 साल में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, पिछले 500 साल में कितनी स्पीशीज विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्या लिखेंगे आंसर, 784 स्पीशीज, 784 स्पीशीज, नोट कर लो, याद नहीं रहेगा तुम्हें बाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम बताओ, रीसेंट, RECENT, रीसेंट एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वो स्पीशीज जो अभी एक्सटिंक्ट हुई है, देखिए डूडो, DODO, डूडो, जैसे लिखिए कॉगा, QUAGGA, कॉगा, थाइलेसिन, THYLACINE, थाइलेसिन, स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ, ठीक है, और थ्री स्पीशीज ऑफ, देखिए थ्री स्पीशीज ऑफ टाइगर, क्या नाम उनके, बाली, जवान, कैस्पियन, बाली, जवान, कैस्पियन, ठीक है। पिछले 20 सालों में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, देखो पिछले 20 सालों में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, आंसर लिखें 27, कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई, 27। नेक्स्ट, कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, हाउ मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं जो एंडेंजर्ड हो गई हैं, आंसर लिखें 15,500, 15,500। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, देखिए ईवेल क्वार्टेट, EVIL, ईवेल क्वार्टेट, QUARTET, ईवेल क्वार्टेट, EVIL, QUARTET, ईवेल क्वार्टेट, ईवेल क्वार्टेट कहते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कितने कॉज हैं, चार, पहला लिखिए, नंबर एक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसके एग्जाम्पल में अमेजॉन फॉरेस्ट आते हैं, इसके एग्जाम्पल में अमेजॉन फॉरेस्ट आता है, अमेजॉन फॉरेस्ट आता है, एग्जाम्पल लिखो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, कहाँ पर हुआ है, वो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, निकलिया अमेजॉन रेन फॉरेस्ट।
देखिए अमेजोन को लंग्स ऑफ द प्लेनेट भी कहते हैं, अमेजोन को लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। दूसरा लिखें ओवर एक्सप्लाइटेशन, वो स्पीशीज जो ओवर एक्सप्लाइटेशन से एक्सटिंक्ट हो गई है। ओवर एक्सप्लाइटेशन EXPLOITATION ओवर एक्सप्लाइटेशन। देखिए लगभग 500 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं इस वजह से, ओवर एक्सप्लाइटेशन से लगभग 500 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई। एग्जाम्पल लिखे स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन। नेक्स्ट पॉइंट बाई एलियन स्पीशीज, देखो बाई एलियन ALIEN बाई एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज कहते हैं कि हमने मतलब बाहरी स्पीशीज को, बाहरी स्पीशीज को मतलब एक्जॉटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करा दिया और उसने सबको मार दिया। तो लिखें एग्जांपल, लिखे नील पर्च NILE, नील पर्च को क्वीन विक्टोरिया में छोड़ा गया था, नील पर्च को क्वीन विक्टोरिया लेक में छोड़ा गया था, नील पर्च PRCH को क्वीन विक्टोरिया लेक में छोड़ा गया था, क्वीन विक्टोरिया लेक। इसने 200 स्पीशीज किगलेट की ख़त्म कर दी, इसने 200 स्पीशीज से ज़्यादा किगलेट फिश को मार दिया, CICH LID। ठीक है, इसने 200 किगलेट स्पीशीज को मार दिया। नेक्स्ट लिखें एग्जॉटिक स्पीशीज, लिखें एग्जॉटिक स्पीशीज, देखिए एग्जॉटिक स्पीशीज उसमें लिखें कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास, देखा पार्थीनियम बोलते हैं इसको, पार्थीनियम। दूसरा लिखें लैंटाना LANTANA लैंटाना एंड वाटर हाइसन, लैंटाना एंड वाटर हाइसन। ब्रैकेट में लिखें इकॉर्निया, लैंटाना एंड वाटर हाइसन, लिख लिया। ये कौन सी स्पीशीज हैं एग्जॉटिक, याद रखना एग्जॉटिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, एक आपने लिखा कैरेट ग्रास, एक लिखा लैंटाना, एक लिखा हमने वाटर हाइसन। नेक्स्ट लिखे देखिए अफ्रीकन कैटफिश ने इंडियन कैटफिश को मार दिया, अफ्रीकन कैटफिश किल द इंडियन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश ने इंडियन कैटफिश को किल कर दिया। ठीक है, कैटफिश को क्लेरियस कहते हैं, क्लेरियस, लिख लिया। अफ्रीकन कैटफिश ने किसे मारा था, इंडियन कैटफिश को। ठीक है, दूसरा लिखें को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, को एक्सटिंक्शन लिखो, को एक्सटिंक्शन मतलब एक की डेथ हुई तो दूसरे की डेथ हो जाएगी, है ना। म्यूटलिज्म, एग्जाम्पल लिखो म्यूटलिज्म, MUTUALISM म्यूटलिज्म, लिखा म्यूटलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखें 25% ड्रग्स 25,000 प्लांट स्पीशीज से मिलती हैं, 25% ड्रग 25,000 प्लांट स्पीशीज से मिलती है, लिख लिया। ड्रग्स कितनी स्पीशीज मिलती हैं, 25,000 प्लांट स्पीशीज से मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए अमेजॉन फॉरेस्ट,
ठीक है, अमेजॉन फॉरेस्ट। अगला पॉइंट देखो, अमेजॉन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, मतलब जितनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है ना, उसकी 20% कौन छोड़ता है? अमेजॉन फॉरेस्ट। लिखिए अमेजॉन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन को, हाँ 20% टोटल ऑक्सीजन की 20% को एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। समझ में आ गया ना, जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% कौन छोड़ रहा है? अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन फॉरेस्ट। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इन सीटू कंजर्वेशन। देखो इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू मतलब होता है उनके हैबिटेट में ही कंजर्व करना। देखो इन सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन देयर हैबिटेट, इन सीटू कंजर्वेशन लिखे, उनके हैबिटेट में ही कंजर्व करना। लिख लिया, उनके हैबिटेट में ही क्या करना है? कंजर्व करना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। लिख लिया। लिखे नंबर एक, एंडेमिज्म, ENDEMISM, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म किसे कहते हैं? एंडेमिज का मतलब होता है जो स्पीशीज एक ही जगह रहती, कहीं और जाती वाती नहीं है, उसे कहते हैं एंडेमिज। कौन बोले? एंडेमिज जो स्पीशीज केवल एक जगह रहती हैं उन्हें एंडेमिज कहते हैं। लिख लो भाई, तुम तो थक गए। एंडेमिज लिखा, स्पीशीज कॉन्फाइंड, कन्फाइंड इन ए रीजन एंड नॉट फाउंड एनी वेयर, एंड नॉट फाउंड एनी वेयर। जो स्पीशीज केवल एक स्थान पर रहती हैं और कहीं नहीं पाई जाती उन्हें कहते हैं एंडेमिज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं? वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट हैं? आंसर लिखे 34। कितने? 34। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 25 प्लस 9। इसका मतलब पहले 25 थे, बाद में 9 और पता चले, है ना? पहले कितने थे? 25, बाद में 9 और पता चले। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया। देखो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया। नंबर एक, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, हाँ। दूसरा लिखें, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। दूसरा लिखें, एंडो बर्मा, एंडो बर्मा। और तीसरा लिखे हिमालय, तीसरा लिखे हिमालय। देखिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अरे बोलो नहीं भैया, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल नेशनल पार्क। आप जो डेटा लिखेंगे वह NCERT के अकॉर्डिंग लिखेंगे। टोटल नेशनल पार्क 90, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 90 हैं। अगर लिखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 14, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 14 है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन लिखे, सेक्रेट ग्रुप किसे कहते हैं? लिखो सेक्रेट ग्रुप, SACRED, सेक्रेट ग्रुप, GROVS। लिखो सेक्रेट ग्रुप किसे कहते हैं? लिखिए
देखिए सेक्टर ग्रुप, सेक्टर ग्रुप का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट एरिया विदाउट नोन रीजन, टू प्रोटेक्ट एरिया विदाउट नोन रीजन, ठीक है। किसी भी एरिया को संरक्षण दिया जाता है लेकिन उसका कारण नहीं पता होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एरिया विदाउट नोन रीजन, रीजन रीजन, हाँ रीजन, टू प्रोटेक्ट एरिया विदाउट नोन रीजन। हमने किसी एरिया को संरक्षित कर दिया कि यहाँ पे एनिमल्स को नहीं मारना है, लेकिन क्यों किया ये पता नहीं, उसे कहते हैं सेक्रेट ग्रुप। एग्जाम्पल लेंगे इसके, अरावली हिल ऑफ राजस्थान, अरावली हिल ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट कर्नाटका, देखो वेस्टर्न घाट कर्नाटका, देखा वेस्टर्न घाट कर्नाटका। अगला लिखें जैनसिया, जे ए आई एन टी आई ए, जैनसिया एंड खासी, के एच ए एस आई हिल, जैनसिया एंड खासी हिल इन मेघालय, इन मेघालय, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट एक्स सी टू कंजर्वेशन, लिखो एक्स सी टू कंजर्वेशन, लिखे ना एक्स सी टू कंजर्वेशन। देखिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है ना, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हैबिटेट के बाहर किया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्व आउटसाइड दियर हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ कंजर्व आउटसाइड दियर हैबिटेट, अरे चुप जाओ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैबिटेट के बाहर किया जाता है। एग्जाम्पल लिखे जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें क्रायो प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, देखो क्रायो प्रिजर्वेशन सी आर वाई ओ पी आर ई एस ई आर वी ए टी आई किसे कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है स्पर्म और एग को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व कर देना, लिखिए टू प्रिजर्व, लिखिए टू प्रिजर्व, लिखिए टू प्रिजर्व, लिखिए टू प्रिजर्व स्पर्म एंड एग एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें देखिए अर्थ समिट, अर्थ समिट ई आर टी एच अर्थ समिट, देखा अर्थ समिट डाल दिया हमने अर्थ समिट, अर्थ समिट, देखिए अर्थ समिट 1992 में रियो डे जेनेरियो, रियो आर आई ओ रियो डे जेनेरियो जे ए एन ई आई आर ओ रियो डे जेनेरियो में हुई थी, अर्थ समिट 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुई थी, अर्थ समिट
1992 में रियो डे जेनेरियो में हुई थी। इसका टॉपिक लिख लें, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। अब लिखिए वर्ल्ड समिट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगला लिखिए वर्ल्ड समिट, देखिए वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल, SUSTAINABLE, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखा, देखिए ये हुआ था 2002 में, देखिए हेल्ड इन 2002। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002, जोहान्सनबर्ग, JOHANNESBURG, जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन तुम्हारा NCERT में आया हुआ है, ठीक है। 2010 तक इसमें 190 कंट्री ने भाग लिया था, 190 कंट्रीज इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व अप टू 2010। 190 कंट्री ने 2010 तक इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। ठीक है, अच्छा ये जो वर्ल्ड समिट हैं और समिट हैं, इसके द्वारा फ़ायदा क्या हुआ कि जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही थी, है ना, स्पीशीज लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर, है ना, ये लोकल लेवल पर, वो क्या हो गई, कम हो गई। अभी क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड समिट का सिग्निफिकेंस बताओ, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी कम हो रही थी वो कम होना बंद हो गई, स्पीशीज लेवल पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी और लोकल लेवल। ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।